सारे शेर तुसी मकाते हो ना जी नहीं ये मुकन वाले थोड़ा ये तो शुरुआत है कुड़ियां दा भी रोल कीता बिकॉज अपा ना कुड़ियां नु वैसे ही बहुत टाइम लगता तैयार होने ते हमारा यू मतलब एग्री ऑन दिस एब्सोल्युटली ब्यूटी टेक्स टाइम बिल्कुल हुण नहीं मैं किसी नु कहंदा भी तू बहुत टाइम लाउनी है ना वे वाकई टाइम लगदा है पंजाबी फिल्म एंड दैन कॉमेडी बिकॉज तुम ना बड़े सीरीयस किरदारों के वेख्या सारे ने सो हाउ वॉज़ योर एक्सपीरियंस एंड कि मज़ा आया चाहती थी कि यार प्लीज़ 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 कोई तो अच्छा फिल्म लेके आओ मेरे पास ताकि मैं एक कॉमेडी फिल्म कर सकती हूँ कॉट करमजीत सर एंड हरीश सर यू कॉट बी एन शर्मा सर निर्मल ऋषि जी वो सच सीनियर एक्टर्स ना कि लाइक यार मतलब ऐसे मौका कैसे छोड़ सकती बड़े टाइम तो नोटिस कर रही हैं जिन्हें भी इंटरव्यूज हो रहे हैं मैं देख रहे हैं कि हाँ कितनी एक्साइटेड है कि हाँ मैं अमेरा होरन देख के बहुत खुश हो रहा हाँ सच्ची इन्हों की एक्साइटमेंट मैं अपनी एक्साइटमेंट भी फील कर रहा हाँ ईश वर्मा कॉमेडी लैके नहीं आए ना तो फिल्म फिल्मी लगती है जो व्यूअर्स का कहना होंगे सो एंड सब तो सोनी गल है कि बहुत प्यारा मैसेज होंगे थोड़ी फिल्म सो इस फिल्म की मैसेज आऊगा हम जो थिएटर होंगे इन टंकी होंगी है वेलड़ा का काम होंगे यदा कोई योगदान नहीं समाज वो बारे थोड़ी जी गल की हुई है उस गल लैके असं तुरे हाँ जोड़ा सुनेहा फिल्म का वो यो है कि जोड़े कलाकार ने जला वो समाज के जगह रखती है कि वो ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਮਾ ਅਰੇ ਵੇਟ ਬਟ ਫਰਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਆਪ ਪਾਪਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਭੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਬ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਸਭ ਸਹੀ ਥਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ हेलो एवरीवन सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी वेख रही है सारे दर्शकों का मैं जसवीक और स्वागत करती हूँ सो आज बहुत ही प्यारी स्टारकास्ट मेरे नाल है एनी हाउ मिट्टी पाओ फिल्म आ रही है सो स्टारकास्ट मेरे नाल है हरीश वर्मा अमायरा दस्तूर एंड करमजीत अनमोल जी इन टू डबल हैट्रिक स्वागत है सारे का थैंक यू जी थैंक यू सो मच शुरुआत ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਊਟੀ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੱਕ ਜਾਂ ਠੋਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੰਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਮਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਾਮੇਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक कॉमेडी फिल्म कर सकती हूँ. मैं चाहती थी कि यार प्लीज़ 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 कोई तो अच्छा फिल्म लेके आओ मेरे पास ताकि मैं कॉमेडी फिल्म कर सकती हूँ. और जब मुझे ये मौका मिला मैं तो ऑफ कोर्स हाँ बोल दिया, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गॉट करमजीत सर एंड हरीश सर, यू गॉट बी एन शर्मा सर, निर्मल ऋषि जी, हु आर सच सीनियर एक्टर्स ना, कि लाइक यार मतलब ऐसे मौका कैसे छोड़ सकती थी. और वो भी फुल आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर है, एंड आई लव दैट, क्योंकि मैं भी मेरे परिवार के साथ मूवीज़ के लिए हमेशा जाती हूँ. यू नो इट्स नाइस जब आप पूरे परिवार के साथ थिएटर में जाके हंस के वापस घर आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल आई वांट फॉर आवर पंजाबी पीपल इज़ वेल, कि यार ये मूवी देख लो, इन्जॉय और वापस घर आके जाओ. सो मैं हरीश जी ने बड़े टाइम तो नोटिस कर रही हैं, जिन्ने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं मैं देख रहे हैं कि हाँ कितनी एक्साइटेड है कि कितनी खुश हो गए इंटरव्यूज दे रही है. तो तुम दसो इन्हां दी फीलिंग है कि तुहानू कितनी खुशी महसूस हो रही है. मैनू डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है जी कि साड़ी 6 तरीक नू फिल्म आनी है 6 अक्तूबर नू सिनेमा च, ते बहुत मेहनत नाल बनाई हुई फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, परिवार सारे परिवार आन फिल्म देख सिनेमाघर जिदा तुम्हें कहा मैं अमेरा होर देख के बहुत खुश हो रहा हाँ. सच्ची इन्हों की एक्साइटमेंट मैं अपनी एक्साइटमेंट भी फील कर रहा, साड़ी सारे की एक्साइटमेंट है जी. फिल्म बहुत सोहनी आ, और जिदा तुम्हें कहा भाजी होर ने बहुत सारे किरदार निभाए ने, हर सीन दे विच एक बहुत सोहना नवा रंग है जिहड़ा कि ऑडियंस नूं बन के रखू और एंटरटेन करूँ. तो उम्मीद करते हैं 6 तरीक नूं तुसीं आओगे तो मौजा करोगे, खुशियां माणोगे. है तो अड्डी फिल्म दे विच कॉमेडी बहुत ज़्यादा होंदी है. आई थिंक अगर हरीश वर्मा कॉमेडी लेके नहीं आए ना तो फिल्म नहीं लगती है, जो व्यूअर्स का कहना होंदा है. सो एंड सब तो सोहनी गल है कि बहुत प्यारा मैसेज होंदा है तुहाडी फिल्म दे विच. सो इस फिल्म दे विच की मैसेज आऊगा हुण? एक्चुअली यह फिल्म जिदा तुसीं इस फिल्म का ट्रेलर देखा उस च पहला ही डायलॉग है कि जिहड़े आह कलाकार हुंदे ने जिहड़ा थिएटर हुंदा इन टंकी हुंदी है वेलड़ां दा काम हुंदा, इहदा कोई योगदान नहीं समाज च, उहदे बारे थोड़ी जी गल कीती हुई है. उस गल नूं लै के असीं तुरे हाँ और आले दुआले दे बहुत सारे वो खोले ने सब प्लॉट्स, तो हरेक सीन मैं जिदा पहला कह के हटियां हरेक सीन फिल्म नूं अग्गे लैके जा रहा है और बहुत सोहने मनोरंजक तरीके नाल फिल्म आया. जनजोत होरां ने, जस गरेवाल होरां ने फिल्म लिखी है जो कि बहुत बहुत माहिर ने अपने काम दे विच. ते जिहड़ा सुनेहा फिल्म दा वो इहो है कि जिहड़े कलाकार ने जां कला वो समाज दे विच की जगह रखदी है, की उहदी उहनूं किद्दां देखिया जांदा, वो साडी जिंदगी च बहुत मायने रखदे ने कलाकार कला सब, पर आपां नूं पता नहीं लगदा उहदे बारे थोड़ा जिहा दस्सिया बड़े सोहणे तरीके नाल. ते बड़ा सोहणा सुनेहा जी, अणछोहिया जिहा इक मुद्दा है जिहड़ा कि छेती सारे देखणगे 6 तरीक नूं. सो मायरा मैं तुहानूं पुछूंगी, असीं सुणिया है कि तुसीं घरे गुजराती बोलदे हो, इज इट राइट? मेरे घर पे हम गुजराती और इंग्लिश में बात करते हैं. अरे वेट, बट फर्स्ट आई वांटेड टू आस्क यू, आप पापराजी नहीं जानते थे लेकिन प्रोस्थेटिक्स बोल सकते हैं? सही गल है ना, है ना? हाँ. नहीं सीरियस, आई लाइक नहीं इतना कितना होता है दसो, ये पापराजी है ना, ये पापराजी है बहुत. मैं अपने सवाल ते आऊंगी कि तुसी घरे गुजराती बोलते हो, सो जो तुहाडे फैमिली ने तुहानू पंजाबी बोलते वेख्या जो मतलब शूट चल रहा सी, कदे एवें होया कि इंग्लिश या गुजराती तो अलावा हिंदी ते पंजाबी निकल गई होवे मुंह चो, ते घरे ते घर दे कहंदे साडी कुड़ी यही है कि बदल के आई है? नहीं एक्चुअली सच में अभी मुझे पता नहीं, जब मैं पंजाबी बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, अभी इंग्लिश भी बोल रही हूँ, ऑनेस्टली अब सब मिलजुल के बोल रही हूँ. अभी मैं इतनी कन्फ्यूज हो रही हूँ कि यार मैं जानती नहीं, लेकिन नो आई मेरा ये एक इच्छा है, और इच्छा नहीं एक गोल है कि 6 महीनों विच मैं पंजाबी विच गल करूंगी, करांगी 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 ओ करूंगी, सब सही था, ओ परफेक्ट बोली पंजाबी. ओके सो पंजाबी इंडस्ट्री विच आए हो तुसी, कितना मज़ा आ रहा थानू, सो कुछ चेंजेस या कुछ इदा लगे हो कि मैं अपने नाल लेके जाना है, या कुछ चेंज जो तुसी सोचो कि हाँ बॉलीवुड विच भी आना चाहिए? एक्चुअली एक चीज़ जो मुझे
बहुत अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में कि लोग यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें को सीरियसली नहीं लेते. जैसे बॉलीवुड में आई फील माहौल बहुत अलग है, समटाइम्स थोड़ा सीरियस है सेट पे, यू नो हर इंसान बस यू नो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. बट पंजाब विच जो मैंने देखा सब लाइक फैमिली के जैसे हैं, परिवार के जैसे हैं. लाइक स्पेशली इस सेट पे जब हम डेवन में शूट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हम इंग्लिश यूके के कोई गांव में शूट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं. मतलब लोकेशंस बहुत ही खूबसूरत है, मैं ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड क्योंकि वहाँ के कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है, लेकिन ना रेस्टोरेंट्स ना प्रॉपर होटल्स कुछ नहीं है वहाँ पे. तो मतलब जिस तरह से हमने एक दूसरे का मदद किया, ख्याल रखे, वो मैंने कभी देखा नहीं दूसरे इंडस्ट्री में. एंड आई रियली लव दैट अबाउट पंजाब. पंजाबियां दिल सब तो वड्डा हुंदा. करमजीत सर, मैं तुहानू पुछूंगी जिद्दां हुण इन्हां ने प्यार दी गल कीती, मैं ना अपनी पंजाबी बोली दी गल करां ना तां कई वार ये चीज़ मैं परसनली सुनी है कि कहिंदे यार पंजाबी सोहणी है, सोहणी बोलदे हो तुसीं बहुत वधिया. कई वार ना कईआं नूं बड़ा खरवापन लगदा अपनी पंजाबी 'च कि बड़ा लाउड बोली जांदे, गुस्से 'च होणे आ या मतलब इदां बोल रहे आ. सो उहदे बारे तुसीं की कहोगे? नहीं नहीं देखो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे पंजाबी है चाहे कोई होर है, अदर लैंग्वेज की भी गल करिए आपां, जदों तुसीं गुस्से होना है, लड़ना है जां इंजॉय करना है, वह तुसीं अपनी भाषा दे विच वधिया कर सकते हो. जे लड़ के किसी नूं गाल कढ़ने तां पंजाबी च जिन्ना स्वाद आउंदा उन्ना किसी च नहीं आउंदा, है ना. सो जे तुसीं खुश होना वह भी पंजाबी दे विच जिहड़े तुसीं अल्फाज वरतदे हो, है ना, वह तां ही एक्सप्रैस कर सकते हो तुसीं अपनी फीलिंग सारियां, है ना. सो मैनूं लगता भी हर एक दी हर एक नूं अपनी जिहड़ी माँ बोली हुंदी उह प्यारी लगदी है. एक होर गल दस्सदा, जिहड़ा फोक हुंदा जां जिहड़े किसी भी रीज़न का फोक होवे, वो कोई तुसीं गा रहे हो कोई गाना होवे, वो हमेशा हर एक नूं वधिया लगदा. जिहड़ी कोई फोक ट्यून हुंदी है ना किसी भी रीज़न की होवे, वो हर एक नूं वधिया लगदी, वो टुंबदी है क्योंकि वो साडे खून दे विच वसदी है, है ना. सो पंजाबी साड़ी इन्ना साडा पंजाब दा जिहड़ा एरिया बहुत वड्डा सी, काबल कंधार तो लैके इधर दिल्ली साडे पंजाब दे विच सी, सारा हिमाचल सारा हरियाणा, है ना, मतलब सारा पाकिस्तान मतलब पंजाबी दे विच पंजाब सीगा, है ना. सो साडा खिता बहुत वड्डा सी, बहुत ज़्यादा बोली जाती सी, बाबे बुले शाह होना तो लैके बाबा नानक जी होना तो, है ना, किन्ने ही साडे मतलब बाबा फरीद जी होना तो, है ना, लैके पंजाबी बोली बोली जाती है. पर जो सानू मज़ा पंजाबी बोलन च आउंदा जां सुनन च आउंदा होर किसी भी लैंग्वेज च नहीं आउंदा, सानू पता नहीं साडी अपनी माँ बोली है, है ना. क्योंकि मैं खास करके मैं अपनी गल दसदा, मेरे कन्नां दे विच्चों पंजाबी दा कोई शब्द गलत उच्चारण नहीं निकल सकता. मैं उदी उत्थे मेरी सूई अड़ जाती है, कोई भी गल करदा वी आ नहीं ये तू गलत प्रोनाउंस कर रहा है, पंजाबी नाल मैं इन्ना जुड़िया हाँ, तो ही मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी, आ बैठी मेरे कोल सामने. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖਾ ਲਾ. अपना वो प्यार मैनूं लगदा मतलब कोई बाहरों आया है कुछ भी ना उन्होंने इदा लगता कि यार मैं लड़ी जाते हैं, बट वो यही नहीं पता कि यार रॉब एक अपनापन जो हुंदा ना कि आप उन्होंने हक जमाने ता ही कहने. सो मेरा तिना तो सवाल है कि जिवें जो टाइटल है एनी हाउ मिट्टी पाओ, सो बहुत सी सिचुएशन आदि लाइफ के बहुत सी आप कह लो कि बहस बसाई होंगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रैस होंगे, सो वट आर द सिचुएशन जिते तुम ये वर्ड या एक थिंकिंग यूज चल यार एनी हाउ मिट्टी पाओ. सो करमजीत सर पहला थोड़े तो ये मेरा ख्याल है भी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच भी ये शब्द आपां यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारिया सिचुएशनस होंदिया ने. कई बार बच्चे नूं आपां झटकदे आ, है ना, भी ये पढ़दा नहीं फलाना ये वो, फिर कुट के आप चलो ऐ नहीं हो मिट्टी पाओ की है, चल कल नूं कर लियो अगे तों गलती करिए, हमेशा हर रोज़ ये आपां वरतदे आ. सेम यार, हर दिन कुछ ना कुछ तो होता है. आई मीन आप किसी ना किसी से शायद लड़ोगे या उनके बात अच्छा नहीं लगेगा, सो यू जस्ट लाइक हाँ यार एनी आओ मिट्टी पाओ, चल यार छोड़ दो क्यों घुसना है इन सब में. हाँ जी कुछ इदा ही मेरा भी आंसर है, जिंदगी हरेक चीज़ से अपना कंट्रोल नहीं होंदा, जिहड़ी चीज़ से होंदा उससे आप कंट्रोल कर लईदा, उसनों अपने काबू च कर लईदा, अपने हिसाब नाल करन दी कोशिश करीदी है फॉर बैटर फॉर गुड. तो जिथे नहीं हुंदा अपने कंट्रोल च, जिथे सब होर हुंदा उत्थे कहदा चलो यार मिट्टी पाओ अगे चलो हुण जिद्दां हो रहा चली जाण देखदे आं की बनदा अगे. मेरे ख्याल च हर एक जिंदगी दा दस्तूर है.
आई थिंक ये चीज़ नहीं होगी तो गिले शिकवे ज़्यादा वधी जाएंगे तो वो एक मनमुटाव आप लैके ही बैठे रहेंगे फिर। करमजीत सर तुम हम 6 कैरेक्टर्स किए ये राइट, सो तुहाडा सब तो परसनल फेवरेट केड़ा रहा हले तक का? मेरे सारे फेवरेट है जिहड़े भी करदा मैं, क्योंकि जे मैं खुशी नाल करदा तां ही मैं वह कर पाउना, क्योंकि मेरा हर एक करैक्टर मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं हर एक करैक्टर नूं पूरी शिद्दत दे नाल पूरी तनदेही दे नाल निभाउण दी कोशिश करदा, क्योंकि मेरी यही चीज़ लोगों नूं बहुत ज़्यादा पसंद है ते मैं उन्हां दे लोकां दे जिहड़े मैनूं प्यार करदे ने उन्हां दी कसवट्टी ते खरा उतरन दी हमेशा कोशिश करदा। अपने जिन्हें भी रोल्स होंगे बहुत ज़्यादा सोहने कर दो, ईवन असी जो ट्रेलर भी वेखे ना बहुत खुशी हुई कि करमजीत भाजी इन्नी डिफरेंट चीज़ लैके, क्योंकि कॉमेडी तो देखो अपने पंजाबी सिनेमा दे विच पहले दिन तो ही जुड़ी हुई है कि पंजाबी फिल्म है कॉमेडी तो यार मतलब तगड़ी होगी फुल, बट उस कॉमेडी एक अलग लैवल पर लैके जाना आई थिंक वो तुसी कीता। थैंक यू सो मच सर। सो चलो इन्होंने तो अपनी तारीफ नहीं करनी ना इन्होंने दसना, तुसी दसो कि तुसी केड़ा किरदार देख के मतलब तुसी थोड़ा शॉक्ड होए कि भाजी ये कर रहे या ए लाइक अगर फीमेल्स की कैरेक्टर मतलब गल करा जो फीमेल कैरेक्टर इन्होंने किया है उन्होंने देख के तुम्हें किमें लगे? मेरी फेवरेट तो पम्मी थी, आई लव पम्मी। पम्मी आंटी सबसे मतलब, और यू नो आसान नहीं है क्योंकि ऐसे लाइक यू नो कोई कलाकार शायद ओवर द टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से करमजीत सर ने वो उस कैरेक्टर को निभाया ना लाइक मतलब इट वॉज परफेक्ट, लिटरली परफेक्ट, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, परफेक्ट पम्मी आंटी। और एक्चुअली मैं भाजी मैं वार बार यही गल कहना जिन्नी बार कहाँ घट है, मैं भाजी होरां दा बहुत वड्डा फैन है, इन्हां दे काम दा, इन्हां दी गायकी दा, इन्हां दी अदाकारी दा, बहुत सोहना काम करते हैं। असीं पहली फिल्म की थी डैडी कूल मुंडे फूल, उदों तो मैं भाजी दा मरीद हाँ इन्हां दे काम दा, ते इस फिल्म च तो 6 किरदार करी जांदे आ ते हर एक किरदार एक तो एक वध के है, बहुत मेहनती ने भाजी। इस इन्हों के किरदारों के प्रोस्थैटिक है जोड़ा, वो इन्हों की आप की वह चॉइस सी, बिना उस तो भी कर सकते सी, बट वो नक् लाना ठोडी लाना डिफरेंट दिखना जिन्ना हो सके, क्योंकि प्रोस्थैटिक सामभना वह मेकअप एक तो पहला बड़ा समा लिंदा है, फिर उन्हू यूज़ करके चेहरे पर फिर वो परफॉर्म करना वह भी एक टफ जॉब हो जाती है। दाढ़ी लाना मैं भी थिएटर टाइम दाढ़ी लाँदा रहा, कदे बजुर्ग बने कदे कुछ बने, वो मैं पता है वह एहसास है मैं ते, बट भाजी ने बहुत शानदार तरीके नाल रोल निभाए, हर एक किरदार इन्हां दा खूबसूरत है, जदों ये ऐं आउंदे आ उदों भी बहुत कमाल लगदे आ, मज़ा आउंदा। सो भाजी कह रहे कि तुहाडे गाने तो लैके हर चीज़, सो कोई इदां दा कोई गाना या कुछ तुहाडा कुछ है इहदे विच जो असीं नहीं सुणिया ते तुसीं सुनाणा चाहोगे? नहीं इहदे विच मेरा कोई गाना नहीं। सुना दो सर नाल बैठो। वैसे सुना देना मैं मोरन दे कारण नी मैं कैंठा कढ़ौनिया, मोरन दे कारण नी मैं कैंठा कढ़ौनिया, कैंठा पहनण दे वेले वे हंडावण दे वेले, कैंठा पहनण दे वेले वे हंडावण दे वेले, क्यों उड जाना वे मोरा मोरा, क्यों उड जाना वे मोरा, क्यों उड जाना वे मोरा। सर अच्छा एक टास्क दवाता जिमें इन्हों पम्मी वाला रोल बहुत पसंद आ, अगर पम्मी के वर्जन में कुछ गाना हो फिर ओ फिल्म जी रुस के ना बैज वीर ना पैना वर्गा साक ना पैना वर्गा साक ना कोई वो खाली घोड़ी हिंकदी उत्ते नहीं दींदा वीर। गाइज मेरे तो हूँ ही हस हस के अखा चो पानी आ गया, तो मैनू लगता है कि फिल्म वाले तो इन्होंने टिशू पेपर नाल लेके जाने पड़ने तो कमला कर देना मैनू। वेरी नाइस। ताई मैनू आई थिंक जो मायरा जी ने कहा ना कि शी लव्स पम्मी, दिस इज द रीजन शी लव्स पम्मी एक्चुअली। या सो पामी पामी सो बहुत चंगा लग्या तुहाडे नाल गल करके, मुबारक तुहानू फिल्म दे लई। आई होप जो एक लैवल सैट होने जा रहा है हुण कॉमेडी नूं लैके व्यूअर्स बहुत पसंद करनगे, सो जाते जाते व्यूअर्स नूं की अपील करूँगी?
हेलो एवरीवन, प्लीज़ 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 हमारी फिल्म जाके देख लीजिए. ये एक फैमिली एंटरटेनर है एंड आई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है कि आप इतने हंसोगे आंसू निकल जाएंगे आँख से. 6 अक्टूबर नू सिनेमा घर जाके फिल्म देख के आयो जी. फैमिली एंटरटेनर जिदा कि अमायरा दस्तूर जी ने कहा, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत नाल बनाई हुई फिल्म है. 6 अक्टूबर नू एनी हाउ मिट्टी पाओ तुहाडे नेड़े ते दूर दे सिनेमा घर. एक्चुअली भाई जी, दूर के सिनेमाघर लोग ना कहते यार दूर बहुत है, नेड़े लाओ. मैं ता ही कह रहा, नेड़लिया भी लगूगी, जायो. हुण पम्मी वर्जन प्लीज. जी तो गाइस, मैं तुहानू दस रही हाँ, मैं तुहाडी पम्मी किसी की भूआ तो किसी की मम्मी. पम्मी किसी लिए फिक्की, किसी लिए यम्मी. सो सारे किसी लिए गुड, किसी लिए निकम्मी. सो एनी हाउ मिट्टी पाओ, सिनेमे घर फिल्म देखने जाओ तो हंसते सौंदे आओ. है की हो गया दस्तूर. सही गल है, व्यूअर्स ने ना एक्चुअली आई गेस हूँ डेमो वेख लिया होना कि मैं तो इन्ना रोई इन्नी इंटरव्यू कर करो भी हंस हंस के. सो आई एम श्योर तुसी भी सारे बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे 6 अक्टूबर. एनी हाउ मिट्टी पाओ, भाई मिट्टी नहीं पानी, इस फिल्म नू सुपर हिट कर दो बिकॉज सू बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है. कैमरा परसन रमेश के नाल मैं जसवीर कौर, डेली पोस्ट पंजाबी. थैंक यू सो मच.